तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो बज गए सुबह के 5:30 और मैं उठ चुका हूँ। आज हम जाने वाले हैं आगरा। तो पहले मैं रेडी हूँगा, फिर यहाँ से मुनीस भाई भी जाने वाले हैं साथ, तो उनको लेने जाऊँगा और फिर वहाँ से अराउंड 6:15 के करीब हम निकलेंगे दिल्ली से आगरा। और मैं तैयार हो चुका हूँ, अब मैं यहाँ से जाऊँगा मुनीस भाई के रूम में और उनको पिक करूँगा और फिर मैं यहाँ से निकलूँगा दिल्ली से। तो जा रहा हूँ मैं मुनीस भाई के रूम को। जैसा देख सकते हो आप, हमारी डोमिनार यहाँ खड़ी हुई है और ये काफ़ी गंदी हो चुकी है। तो अभी अभी हम इसको करेंगे कोल्ड स्टार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, बज गए हैं सुबह के 6 और हम मुनीस भाई रेडी हो चुके हैं। अब हम निकलेंगे आगरा के लिए, तो चलो चलते हैं। तो गाइस, हम निकल चुके हैं, अभी हम जाएंगे नोएडा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे। और पहले तो हम अपनी टैंक फुल कराएंगे बाइक की, कि उसकी माइलेज भी टेस्ट हो सके हाईवे पे कितनी है। आगरा करीब यहाँ से 250 किलोमीटर है, तो चलो पंप पे चलते हैं पहले, उसके बाद से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हो हम पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं। स्पीड वाली नहीं है यार। तो जैसा आप देख सकते हो हम पेट्रोल पंप पहुंच गए हैं। भैया स्पीड वाली पेट्रोल नहीं है, यही डाल लो फिर। आप देख सकते हो गाड़ी में लो फ्यूल लेवल की आ रही है। भैया टैंक फुल कर दो। दीपक भर रहा था। हाँ जी, और हम टैंक फुल करा रहे हैं यार, देखते हैं आगरा तो पहुंचा ही देगा। थर्टीन लीटर की कैंप कैपेसिटी बहुत छोटी हो जाती है लॉन्ग राइड्स के लिए। हाँ, बस जहाँ एंड हो बस। आप देख सकते हो गाइस, और ये पेट्रोल 922 रुपीज़ की हुई है, जो कि 9.53 लीटर्स थी। आप देख सकते हैं गाड़ी की टैंक भी फुल है और हम इसका माइलेज टेस्ट भी करेंगे। 50,280 रुपये हमने पेट्रोल इसमें फिल करा दिया था फुल टैंक। और अभी हम निकल चुके हैं नोएडा एक्सप्रेस वे पे, अभी अपना एक्सप्रेस वे पे जाएंगे हम, तो चलो चलते हैं। और गाइस, डोमिनार की इनिशियल पिकअप।
रुके हुए थे चाय कॉफी वगैरह पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए। तो अभी से हम वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से आगरा करीब 158 किलोमीटर है, और वो देख सकते हो आप सामने मुनीश भाई जा रहे हैं। मुनीश, और वही हम जा रहे हैं। रास्ता काफ़ी स्मूथ है, लेकिन बीच में ये क्या कहते हैं, फॉग बहुत ज़्यादा थी बीच में, इसीलिए हमने सोचा थोड़ी ब्रेक ले लेते हैं। हमने हाफ एन आवर की ब्रेक ली और हम निकलने वाले हैं वहाँ पे। हमारी परी यहाँ करी हुई है और परी को चलाने जा रहे हैं हमारे मुनीश भाई, जो कि ग्लव्स वगैरह पहन के पूरा रेडी हो रहा है। तो जर्नी कंटिन्यू करेंगे 158 किलोमीटर के लिए। टोल टैक्स पे आ चुके थे, यहाँ 250 रुपये का हमारा पर्ची कटा है, जो कि टोल पास था। और आगरा यहाँ से समथिंग लाइक 140 किलोमीटर है, तो चलते हैं। जैसा आप देख सकते हो बाइक की क्या कंडीशन हो गई है, चारों ओर फॉग। और मुनीश भाई का क्या हाल है आपके? इनका पूरा ये फॉग से ये भींग चुका है यार, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ही फॉग है, बहुत ज़्यादा फॉग है, यहाँ से सन दिखाई नहीं दे रहा है। रुके हुए थे सुसु ब्रेक के लिए, 100 किलोमीटर है यहाँ से आगरा। अब हम वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन भाई ये बाइक ऐसी है कि इसको जितना बार देखो उतना बार प्यार होगा, जैसा आप देख सकते हो। हम यहाँ आगरा के टोल प्लाजा में पहुँच चुके हैं, और मुनीर भाई कुछ बोलिए, कैसा लगा आपको ये सब? हाँ, ठीक लगा इनको। और भाई ये रही हमारी बड़ी, ख्याल देखिए भाई। तो यहाँ से 20 किलोमीटर है ताजमहल। तो अभी तो फिलहाल करेंटली हमने होटल बुक किया था कल रात में, तो अभी फ़िलहाल हम होटल जाएंगे, होटल जाके वहाँ से फ्रेश होके फिर हम निकलेंगे ताजमहल। जैसा आप देख सकते हो फॉग कितनी ज़्यादा है, तो चलो होटल में पहुँच जाऊँ, उसके बाद से मैं बताऊँगा आपको क्या एक्सपेंसेस आए और कितना टोटल खर्चा लगा मेरा। फाइनली हम आगरा पहुँच गए हैं, और जिस होटल में चेक इन था उस होटल में चेक इन हो गया है। और अभी फिर हमने गाड़ी की टैंक एम्प्टी हो गई थी, 285 किलोमीटर में गाड़ी का टैंक फुल एम्प्टी हो गया था। और तो फिर वापस हम लोगों ने टैंक फुल कराए, पेट्रोल की नॉर्मल माइलेज ये दे रही है 18 किलोमीटर 1 लीटर में, और बाकी सब तो बढ़िया। वैसे गाड़ी में कोई कंप्लेन नहीं आई, वाइब्रेशन वगैरह एकदम बिल्कुल नहीं आए। देख सकते हो यही होटल है, आसपास के व्यू है। अभी हम जाएंगे आधे घंटे में ताजमहल, तो उसका मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू वेरी मच यार।